Hello everyone, welcome back to my channel. I am Damini and welcome to the Glam Beauty Channel. So, आज की जो वीडियो है वो है all about concealer sheet. So, मैंने जो 30 days की सीरीज स्टार्ट की थी वो किसी रीजन की वजह से मैं उसको आगे नहीं कर पाई. तो आज मैं उसका जो 8th कंप्लीट कर चुकी हूँ, आज उसका 9th टॉपिक है. एंड मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू पिक करेक्ट कंसीलर शेड. तो होता क्या है, हम जब भी कंसीलर शेड परचेज करने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी मार्केट से जब कंसीलर शेड परचेज करते हैं तो फेयर शेड में ही लेते हैं. अपनी स्किन के मैच का तो बहुत ही रेयर किसी ने लिया होगा. जिसको नॉलेज होगी वही लेगा, वरना जिसको नॉलेज नहीं है वो जो मतलब शॉपकीपर सजेस्ट कर देता है हम वही उसको ही पिक कर लेते हैं. तो हमें कैसे पहचानना है कि जो हमें कंसीलर शेड है वो किस शेड का लेना है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर. सो होता क्या है, अगर हमारे डार्क सर्कल्स हैं, मतलब बेसिकली जो कंसीलर का काम होता है वो होता है हाइलाइटिंग पॉइंट को मतलब पॉप आउट होते दिखाना. एंड जो डार्क कंसीलर शेड होते हैं उनका काम होता है हमारे जो प्रॉब्लम है स्किन को उनको पहले इरेज करना. सो अभी जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनमें मतलब लोग क्या करते हैं, मेकअप स्टार्ट किया और कंसीलर से ब्लेंडिंग कर ली, फिर उसके ऊपर लेयर कर रहे हैं फाउंडेशन की. बट ऐसा बहुत गलत करते हैं. फिर उनका क्या रहता है कि वो कहते हैं कि हमारा मेकअप जो है ना वो ग्रे हो गया. तो ग्रे क्यों होता है, क्योंकि हमारा डार्क सर्कल था वो ब्लैक था. अब ब्लैक को हमने कट किससे किया, फेयर शेड के कंसीलर से, तो वो कभी कट नहीं होगा, वो ग्रे पड़ जाएगा और मेकअप इन दी एंड बहुत ही भद्दा पैची एंड बहुत डार्क डार्क शो होगा. तो हमें क्या करना है, हमें अगर डार्क सर्कल्स हैं या फिर माउथ के अराउंड पर या ब्लैकनेस है, फोरहेड पर साइड साइड में भी किसी की टैनिंग होती है या फिर पिंपल्स के स्पॉट हैं साइड में, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए हम ऑरेंज शेड में करेक्टर लेंगे. ऑरेंज शेड में जो कंसीलर होता है वो करेक्टर का वर्क करता है. या फिर थोड़ा ऑरेंज टिंट पे हो, मतलब फेयर ना हो बट थोड़ा सा ऑरेंज शेड में हो, तो थोड़ा डार्कर शेड में हो, डीपर शेड में, तो वो क्या करेगा हमारी स्किन को पहले हाइड करेगा. सबसे पहले हम सीरियम करेंगे, उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डार्क शेड के कंसीलर से हाइड करेंगे, मतलब लगाया एंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया. उसके बाद हम फाउंडेशन की लेयर लगाएंगे. फिर अगर हमारे पास फेयर शेड का कंसीलर है तो हम हाइलाइटिंग पॉइंट को हाइलाइट करेंगे. अब हाइलाइटिंग पॉइंट कौन सी है मैं आपको बता दूं, ये जो आईज के अराउंड ये एरिया जो है ये ट्राइंगल शेप में, ये यहाँ से ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ये जो है ना हाइलाइटिंग पॉइंट है, ये चिन एरिया हाइलाइटिंग पॉइंट, ये नोज एरिया हाइलाइटिंग पॉइंट, ये फोरहेड का राउंड सर्कल ये हाइलाइटिंग पॉइंट है, ब्रो बोन हाइलाइटिंग पॉइंट है जो 3D इफेक्ट दे रही है उनको. तो हमें हमेशा यही सोच के कंसीलर परचेज करना है कि हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है एंड हम किस लिए परचेज कर रहे हैं. आखिर हम प्रोडक्ट तभी तो परचेज करते हैं जब हमें कोई नीड होती है. तो हमें नीड किस चीज की है भाई, जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो हमने क्या सोच के परचेज किया है. अगर हमने ये सोच के परचेज किया कि हम उसको फेयर दिखेंगे तो नहीं भाई, आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को हाइड करना है फिर उसके बाद ही हम कोई कंसीलर को पेयर अप करेंगे किसी फाउंडेशन के साथ. तो पहले तो हमें जो अपनी प्रॉब्लम है उसको हाइड करना है. डायरेक्ट स्किन पे कंसीलर अगर आप लगा रहे हो तो ध्यान रखें डार्क शेड या करेक्टिंग शेड में ही लगाना है, वरना हम कोई ऐसा शेड नहीं परचेज करेंगे जो हमारा मेकअप ग्रे कर दे. तो इसलिए कभी भी परचेज करने से पहले पहले नॉलेज प्रोवाइड आपको हो जाए तभी आप परचेज करें, वरना किसी शॉप कीपर की रिकमेंडेशन से आप कोई भी चीज परचेज ना करें, अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें इतना कि प्रोडक्ट आजकल मतलब आज के टाइम में काफी एक्सपेंसिव भी रहते हैं. अगर कोई अच्छा ब्रांड परचेज कर रहा है, नॉर्मल भी आप कर रहे हो नॉन ब्रांड मेकअप भी, तो मैं बता दूं आपको 150-200 से कम कोई भी कंसीलर आ ही नहीं सकता. अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं नॉन ब्रांड में बता दें,
और अगर 100 या 200 भी काफी होते ही है, और अगर आप 500 तक का कंसीलर ले रहे हो और आपने करेक्ट शेड नहीं पिक किया है तो आपके वो पैसे हो गए वेस्ट। तो आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करना मेरा काम था कि मैं आपको बता दूँ, इससे आपकी कुछ हेल्प हो सके, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको कुछ नॉलेज मिले मेरी वीडियो के थ्रू। मेरा मेन कंसर्न यही था। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि हमें कंसीलर शेड है जो कैसे पिक करना है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।